हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं अभी जस्ट पूजा करके हटी हूँ एंड ये मैंने अपनी पगड़ी बांध रखी है, क्योंकि ये मैंने पगड़ी अपनी इसलिए बांध रखी है राइट, तो मैं पूजा एक्चुअली कर रही थी, तो वो दुपट्टा लेना पड़ता है ना सर पे, तो वो गले से पर लपेटना पड़ता है और इतनी गर्मी हो रही थी, चिपचिपी वाली, तो मेरे को ना उलझन सी होती, इसलिए फिर मैंने ऐसे सर पे सीधा टिका दिया दुपट्टा, इसको हटा देते, बाल थोड़े थोड़े गीले ही है अभी, मैं इसको बालों को बनाऊंगी एंड गर्मी इतनी हो रही है, इतना चिपचिप 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 वाली गर्मी हो रही है, इतना मौसम ख़राब हो रहा है ना, बकवास सा, ना हवा चल रही है ना कुछ चल रही है, फैन भी काम नहीं कर रहा, कूलर भी काम नहीं कर रहा, इवन एसी भी काम नहीं कर रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। सो प्लीज़ गाइस, आप लोग के वहाँ पर अगर बारिश वगैरह कुछ हो रही है तो प्लीज़ यहाँ पर भी थोड़ी भेज दीजिए, धूप होती है ना वाली गर्मी चल जाती है, बट ये ना हवा चल रहा कुछ बिल्कुल गुम बादल सा चिपचिपा सा मौसम हो रहा है, सो बहुत हॉट है, तो आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं गर्मी की, नहीं कर रहे हैं, मेरा तो बुरा हाल हो रखा है गर्मी की, मेरा क्या इवन सभी का बुरा हाल हो रखा है, काम काज कुछ भी करो तो एकदम वीक रह चक्कर से आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ ये ना, नहीं मैं बता देती हूँ। सो ब्लॉगिंग वगैरह करने का मन नहीं करता, फिर सोचती हूँ नहीं यार कर लेती हूँ, तो फिर इसलिए कर लेती हूँ, ऊपर से पता ब्लॉगिंग के एक चक्कर, ब्लॉगिंग वाली बात नहीं है, एक तो पता नहीं आजकल मेरे काइन मास्टर में क्या हो गया, बिकॉज मैं काइन मास्टर में अपडेट मांगा था, सो मैं प्ले स्टोर से काइन मास्टर को अपडेट कर रही हूँ, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो जो काइन मास्टर मैंने किया ना वो काइन मास्टर थोड़ा अजीब है, मतलब उसमें ना वाटर मार्क आ रहा है साथ में, तो इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा करने का एडिटिंग वीडियो को, सो दिक्कत हो रही है, सो अभी करूँगी दूसरा काइन मास्टर मैंने फिर से किया है, तो अभी एडिटिंग करनी है वीडियो, सो इस चक्कर से ब्लॉग थोड़े से लेट आ रहे हैं एंड कंटिन्यू ब्लॉग तो आ ही नहीं रहे बिल्कुल भी, बिकॉज अभी गर्मी इतनी हो रही है एंड बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा ब्लॉगिंग, बस ऐसा लगता बस बैठे रहो फैन के आगे। और मम्मी कह रहे हैं मैंने बाहर धुलाई करी थी मॉर्निंग टाइम में, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर चिड़िया की बच्ची ने एग गिरा के ऊपर से एग फोड़ दिए, पता नहीं कितने अंडे फोड़ती है ये, अपने फोड़ती कि दूसरे के ला के फोड़ती है, यहाँ पर फिर से गंद कर दिया मेरे बाल कैसे हो गए। सो गर्मी इतनी है, ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बट करना तो पड़ेगा ही, सो मैंने निकाली चिल्ड बोतल ये ठंडा पानी बर्फ़ की एंड ये मेरा ब्रेकफास्ट आ गया, मेथी आलू एंड परांठे, मेथी आलू आप लोग कहोगे बिन मौसम कौन सी है, तो मम्मी ने ये मेथी सुखा के रखी थी, तो वो ये सूखी वाली मेथी बस उसको आलू मिक्स किया और बनाया, बड़ी टेस्टी लगती है। सो फिलहाल कर लेते हैं जल्दी से ब्रेकफास्ट, गर्मी बहुत है, कर लीजिए आप लोगों ने करना है तो आके, हो गया इवनिंग का टाइम और जा रही हूँ चाय बनाने एंड पता नहीं क्या मेरा ना मुँह चापक से बहुत कड़वा कड़वा सरा, तो मेरे ना तो मेरा मन एक्चुअली ना मतलब जब से मेरी वैक्सीन लगी ना पता नहीं तबीयत ठीक से नहीं रही, फीवर टाइप का भी लग रहा है अंदर से एंड सर सा भी थोड़ा दर्द सा होता है एंड अभी मुँह कड़वा रहा था, तो मेरा मन कर रहा था पकौड़े चटपटा कुछ खाने का, तो मैंने कहा क्या बना मम्मी के लिए पकौड़े बना लो, इसलिए पकौड़े की तैयारी कर ली है एंड ये मेरा बेसन का लिक्विड रेडी हो गया, इसमें सब मसाला मैंने डाल दिया, लहसुन का अदरक का पेस्ट वगैरह, पुदीना डालना है बस इसमें, पुदीना डालूंगी सूखा और मिर्ची लहसुन मिर्ची वगैरह जितने मसाला सब ऐड कर दिए एंड ये मैंने आलू कटिंग कर लिए हैं गोल शेप में एंड प्याज भी कटिंग कर लिए हैं, सो इनको वॉश करती हूँ, वॉश करके इसमें ऐड करती हूँ, उसके बाद फिर हम रेडी करते हैं अपने पकौड़े शकौड़े बनाना, गर्मी तो है बट मेरा मन करा था सो गर्मी गई भाड़ में, मैंने पकौड़े खाऊंगी ना भाई, सो कोई तो इसको ऐसे डुबा डुबा के बनाता है, मेरी मम्मा भी ऐसे ही बनाती हैं, बट मैं सीधा इजी काम कर रही हूँ इसलिए डायरेक्ट मिक्स कर देती हूँ, और मैं सोच रही हूँ बहुत ज़्यादा मैंने कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा आलू काट दिए हैं, सो मैं इनको बस लिमिट के हिसाब से डालूँगी, प्याज तो पूरे डालूँगी, बस प्याज के तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पकौड़े शकौड़े आज हम खाएंगे पकौड़े वे, और मुझे ना ऐसे डिशेस बनाना बहुत पसंद है, पकौड़े हो गए, गुलगुले हो गए, हलवा हो गया, इतने आलू में रख दूंगी, मम्मी सब्जी में डाल देंगे, ये पुदीना है बिन के रखा हुआ है, इसको डालना है धुल के एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने लहसुन का पेस्ट थोड़ा शायद कम डाला है, तो मम्मी के लिए और डाल लो लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा मैं और डालूंगी ताकि और अच्छा अच्छे पकौड़े मेरे बनेंगे, रिजल्ट अच्छा दे ना, ये चुप के रात दिन भिगो के रखने से ना एक्चुअली में बेसन को भिगो के रखने से ना 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट सक लो मैक्सिमम, तो मतलब अच्छे से मेल्ट हो जाता है, बना हुआ थोड़ा सा रूखा रूखा टाइप हो जाता है, थोड़ा ये सॉफ्ट हो गया थोड़ा मुलायम सा, उससे अच्छे बनेंगे एकदम पकौड़े, और मैंने ना मसाला अपने
अपने तरीके से ऐड करा, पूछा नहीं मम्मी से कैसा होगा, परफेक्ट तो कैसे होना चाहिए। तो ये मेरे आलू के लेसेस मैंने डाल दिए, आलू और ये देखते हैं गिरने वाला था दिखाने के चक्कर में। मैं ज़्यादा पुदीना धो के पुदीना डालूँगी। तो अभी हम ये ऐड करेंगे पुदीना, क्योंकि मैंने इसमें हींग वगैरह अजवाइन वगैरह सब डाली है, बट पुदीना भी डाल देंगे थोड़ा हाथ में। हींग भी डाल दी मैंने इसमें एंड अजवाइन भी डाली हुई है, और थोड़ा मैंने काला नमक भी डाला है, वैसा नमक भी डाला है, सिंपल नमक भी डाला है। हाँ, पुदीने को डालते हुए कुछ मैं खा रही हूँ। रेडी करती हूँ बनाना, के पतीले में बना लो, शाम को दूध आने हैं, सो इसमें बना लेते हैं चाय। चाय को हल्के में रखूंगी। इसको बाद में पूरी शेफ वाली फीलिंग आएगी एंड ये सेफ्टी तो करता ही है। ये पसीना हो गया पूरा, थोड़े भी जल्दी हो गए। पकौड़े हो गए मेरे रेडी, और गर्मी बहुत है, ये मैंने पकौड़े रेडी कर लिए। गर्मी होना भी ज़रूरी है और पकौड़े खाना भी ज़रूरी है। तो गाइस हमारे पकौड़े, ये पकौड़े हैं, ये चटनी है, और ये चाय भी मैंने हैंडपंप बना ली। चटनी हरी पुदीना धनिया मिर्चा सबकी है। बन रही है आज चिकन की सब्जी, तो चिकन मम्मी कर रहे हैं वॉश, पापा लेके हैं, एंड ये मम्मी ने फर्स्ट क्लास मसाला रेडी कर दिया है। सो आज मेरे ब्रदर भी आ गए, तो इसलिए मटन बन रहा है, शायद मटन मिला नहीं तो चिकन बन रहा है। सो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ, देखती हूँ, बहुत ठंडा है वैसे, तो फिर जा रही हूँ पूजा करके, उसके बाद तो मेरे को आंटी के घर आज फिर से। अब पूजा मैंने कर ली है एंड मम्मी का भी खाना रेडी हो गया, बस अभी बस निकल रही हूँ। सो अंकल जी आएंगे लेने के लिए फिलहाल, तो बस घर के कपड़े पहन के जा रही हूँ मैं। आंटी घर हूँ एंड अभी कुछ दिन से आंटी जी घर में हुए, तो मैं कहा चलो आंटी जी के घर में ब्लॉग शूट कर लेते हैं, आंटी जी को भी अच्छा लग रहा है कि उनके घर में मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, एंड आंटी मैक्सिमम आंटी ब्लॉग मेरा देखते हैं, तो आज मैं आंटी घर में शूट कर रही हूँ ब्लॉग। एंड अभी फिलहाल अंकल जी सुबह सुबह आंटी ने रोटी बना ली है, सब्जी बनी पड़ी है, एंड सब्जी मेरी फेवरेट बनी है भिंडी की, एंड बस अभी थोड़ी देर में खाना खाएंगे। फिलहाल अभी आंटी सीरियल देख रहे हैं अपना, और अभी भूख भी नहीं है, थोड़ी देर बाद खाएंगे, अभी 9 बज गया है, तो 9:30 बजे तक खाएंगे खाना, तो अच्छा लगता है। ये डिनर कर लीजिए, अब हमारा आंटी जी के घर में ही डिनर हो रहा है, सो आंटी जी के घर में ब्लॉग बन रहा है। ये देखिए भिंडी है, पनीर मटर है, सलाद है एंड चपाती है। सो भिंडी इज़ माई फेवरेट, तभी आंटी जी ने बनाई है, तो आइए खा लीजिए इसको खाना है। सो गाइस डिनर भी हो गया, काम का भी सब हो गया, बस अब एडिटिंग करूँगी वीडियो पर, एडिटिंग करने बाद 4-5 दिन बाद अपलोड करूँगी वीडियो, क्योंकि अभी थोड़ा आने जाने का शेड्यूल है, तो इसलिए टाइम नहीं है। सो अपलोड करके आपको मिल जाएगा ब्लॉग। सो अभी के लिए ब्लॉग को एंड करती हूँ, गुड नाइट, बाय। आंटी जी गुड नाइट बोल दीजिए, गुड नाइट।
सो गुड नाइट गाइस, बाय, मिलते हैं आपको जल्द ही ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग में, बाय। एंड लाइक के बिना मत जाइएगा, शेयर के बिना मत जाइएगा, एंड सब्सक्राइब के बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय।